प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप की लगातार बैठकें हो रही हैं और सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इसकी कमान आखिर किसके हाथों में होगी। और प्रिगोजिन बगावत के पहले तक पुतिन का राइट हैंड थे और एक इशारे पर जान देने वाला पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर प्रिगोजिन ही थे। पुतिन अब प्रिगोजिन जैसे वफादार कमांडर की तलाश में है जो कि सिर्फ पुतिन की सुने, पुतिन का ऑर्डर माने और विरोध की तो सोचे भी नहीं। दुनिया की सबसे खूंखार वैगनर आर्मी का कौन होगा नया चीफ? पचास हजार की ट्रेंड आर्मी पुतिन किसके हवाले करेंगे? येवगेनी प्रिगोजिन की रहस्यमय मौत के बाद पुतिन का सबसे खास जनरल कौन? येवगेनी की मौत तो रूस को महंगी पड़ेगी। बस इन चार सवालों का जवाब डिटेल में समझ लीजिए। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बाद पूरी वैगनर आर्मी का क्या होगा, आप समझ जाएंगे। येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की सारी गुत्थी इसी में उलझी है। आग के दहकते शोलों में जलते प्लेन में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के साथ पुतिन के मिशन जल रहे हैं, जिसे पूरा करने के काम में खुद पुतिन ने प्रिगोजिन को लगाया था। प्रिगोजिन शब्द से पुतिन का शेर बना था, लिहाजा विद्रोह के बावजूद पुतिन ने उसे बख्श दिया था, क्योंकि प्रिगोजिन सालों से पुतिन का सबसे खास रहा था। प्रिगोजिन को पुतिन का दाहिना हाथ और चेचन कमांडर रमजान कादिरव को पुतिन का बायां हाथ माना जाता था। सवाल है कि जो पुतिन के दाहिने हाथ के प्लेन क्रैश में मौत के बाद पुतिन का सबसे खास कमांडर कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब पुतिन ने बहुत पहले से तैयार कर लिया था। येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत के बाद वैगनर ग्रुप की कमान किसके हाथ? इस सवाल का जवाब जानने से पहले प्लेन क्रैश के कुछ अनदेखे पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि क्रैश में ही उस जनरल का नाम छुपा है जो प्रिगोजिन की मौत के इंतजार में बैठा था। इस प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की अकेले मौत नहीं हुई, बल्कि वैगनर ग्रुप के नंबर दो प्रिगोजिन के सबसे करीबी सहयोगी की भी मौत हुई है। ये सहयोगी कोई और नहीं बल्कि वैगनर समूह में नंबर दो का नेता दिमित्री उत्कीन था। दिमित्री उत्किन रूस की खुफिया एजेंसी GRU का पूर्व अधिकारी था, जो बाद में वैगनर में शामिल हो गया। उत्किन के जिम्मे सीरिया में तेल क्षेत्रों की रखवाली का काम था, लेकिन दिमित्री उत्किन का दुर्भाग्य ये रहा कि उसने भी प्रिगोजिन के पुतिन के खिलाफ बगावत में साथ दिया। वो वैगनर विद्रोह में भी शामिल था, जिसमें लड़ाकों ने मॉस्को की ओर कूच करने की कोशिश की थी। वैगनर से जुड़े रूस के सोशल मीडिया चैनलों की रिपोर्ट बता रही है कि वैगनर के नेतृत्व में दूसरे सदस्य भी उड़ान में रहे होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्लेन क्रैश एक साथ पूरे वैगनर ग्रुप की लीडरशिप को खत्म करने की प्लानिंग के तहत हुआ, क्योंकि ये संयोग से कम लगता है कि जो मारे गए उन्होंने पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन के साथ विरोध का बिगुल फूंका था। इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। फिलहाल तो मॉस्को में सीक्रेट मीटिंग का दौर है। बेलारूस के बॉर्डर पर वैगनर आर्मी बैठी है। यूक्रेन में तैनात रूस के कमांडर के ऑर्डर के इंतजार में। उधर उसका चीफ ही मारा गया, नया चीफ कौन होगा? मॉस्को में मंथन चल रहा है और जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक ऐसा नाम है जो प्रिगोजिन से भी ज्यादा खूंखार है, जिसे पुतिन ने बगावत के 5 दिन बाद ही तय कर लिया था। यही होगा नया वैगनर चीफ। येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत के बाद वैगनर ग्रुप की कमान किसके हाथ? पूर्व अमेरिकी जनरल रॉबर्ट अब्राहम ने रूस में बगावत के बाद भविष्यवाणी की थी कि प्रिगोजिन अब नजर नहीं आने वाले। आज से ठीक 30 दिन पहले यह खबर पश्चिमी मीडिया में छपी कि पुतिन वैगनर आर्मी का नया चीफ नियुक्त करने वाले हैं।
तख्ता पलट की कोशिश के 5 दिन बाद पुतिन ने वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन और उनके कई टॉप फाइटर से बातचीत की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने आगे काम करने के लिए उन्हें कई विकल्प दिए। इनमें से एक ये भी था कि उनका हेड बदल दिया जाए। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने उसी दौरान नए वैगनर हेड का नाम तय कर लिया था। येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत के बाद वैगनर ग्रुप की कमान किसके हाथ? पुतिन के पास करीबियों और सहयोगियों की भारी जमात है। पुतिन के साथ मिस्ट्री और मर्डर का घोल दुनिया आज तक पूरी तरह जान नहीं पाई। पुतिन जितने सामने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा महीन और कड़े शासक हैं। अपने खिलाफ उठी आवाज को दबा देते हैं और फिर उनकी जगह उन्हें मिल जाती है एक नई आवाज। पुतिन भक्ति में पहले वाले से भी ज्यादा। येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत के बाद वैगनर ग्रुप की कमान किसके हाथ? क्या आंद्रेई ट्रोशेव को पुतिन बनाएंगे नया चीफ? आंद्रेई ट्रोशेव वैगनर ग्रुप के चीफ बनते हैं तो वो भी प्रिगोजिन से कम चर्चा में नहीं रहने वाले हैं। आंद्रेई ट्रोशेव पहले ही ईयू की प्रतिबंधित नेताओं की सूची में शामिल हैं। 1953 में पूर्व सोवियत संघ के लेनिनग्राद यानी आज के सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए थे आंद्रेई ट्रोशेव। वो सीरिया में वैगनर के लड़ाकों के अभियानों में शामिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया के एज जोर इलाके में वैगनर की कार्रवाई में आंद्रेई ट्रोशेव सीधे तौर पर शामिल थे। वैगनर आर्मी, जैसा कि आप जानते हैं, भाड़े पर जुटे हुए लड़ाकों का ग्रुप है। इस ग्रुप को पुतिन ने ही खड़ा किया था, जिसका कमांडर पुतिन ने प्रिगोजिन को बनाया था। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन अपनी हद को नहीं समझ पाया और उसका हद लांघना ही उसकी मौत का कारण बन गया। येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत के बाद वैगनर ग्रुप की कमान किसके हाथ? दिमित्री उत्किन की मौत के बाद आंद्रेई ट्रोशेव पुतिन के लिस्ट में टॉप पर है। आंद्रेई ट्रोशेव का वैगनर के दूसरे नेताओं जैसे अलेक्जेंडर सर्गेई विच, कुजनेत सो और एंड्री बोगाटो से भी काफी करीबी है। लिहाजा वैगनर लड़ाकों के बीच ये संदेश नहीं जाए कि उनका चीफ प्रिगोजिन की मौत में रूस की सरकार का कोई हाथ था। साथ ही ट्रोशेव वैगनर समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने जाते हैं, मतलब सीईओ।